मैं तो आगे हूँ जी नंबर वन पे, मेरा तो लक भी अच्छा है, चुनाव चिन्ह जो मिला साइकिल का है वो भी नंबर वन पे है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के एक गांव पनेड़ा कला में। हमारे सामने मौजूद हैं सरपंच पद के दावेदार रिटायर्ड असिस्टेंट लेक्चरर मास्टर ओम प्रकाश जी, आज इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी सर। सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, तो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा जी, जनता बिल्कुल जी, और ये जनता तो ये कह रही है मतलब महिलाओं का ज़्यादा है जी। हाँ एक बार हम सब लाइट, मैंने लाइट लगाई थी जी, हर जगह लाइट है, 568 बल्ब लगे हुए हैं हर गली में, जहाँ खंडर है वहाँ भी बल्ब लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं उसको 2.5 साल से बिल भर रहा हूँ, मीटर लिया था पर्सनली और बिल भर रहा हूँ जी 2.5 साल से। 2 महीने का बिल 2500-3000 बीच में आ जाता है, 25,000 से 30,000 के करीब। तो वो कह रहे हैं कि हमने दो दो वोट तो आपको देनी है महिला हर घर से। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। सर सभी प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं तो आगे हूँ जी नंबर वन पे, मेरा तो लक भी अच्छा है, चुनाव चिन्ह जो मिला साइकिल का है वो भी नंबर वन पे है, नंबर वन पे ही हूँ जी। आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है? हाँ जी, और ये देखो मैं किसी की बुराई नहीं करी, बिल्कुल आज तक किसी कैंडिडेट की नहीं बुराई करी। इनमें से जो मर्जी आए कैंडिडेट कह देता मेरे लिए जी, वो तो बैठ जाएंगे, वो तो बैठा लेंगे, क्यों कभी ऐसा हुआ है मतलब ही नहीं है जी। कोई कहेगा उसके पास कुछ नहीं है, हम 60 साल से ऊपर के हैं तकरीबन सभी जी, और ये इनका जो बाकी जो खड़े हैं सब तजर्बेकार हैं, 40 साल का इनका तजर्बा है, 40 साल में इन्होंने एक कोई काम किया हो? कोई कह देगा ना उस पर है ही कुछ नहीं, वो तो हम ये कर देंगे, वोट नहीं है उसके, भैया संघ नहीं है ना, सब कुछ परिवार संघ है, सब कुछ संघ है, भाई भी परिवार भी कुनबा भी सब कुछ साथ है बिल्कुल, और अच्छे के साथ लगते हैं। हाँ तो मैं हर एक के कंपटीशन में मैं हूँ, हर आदमी कहता है मेरा उसका कंपटीशन है, हर 6 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट ये कहते हैं मेरा उसके साथ कंपटीशन है, मेरा उसके साथ कंपटीशन है। मास्टर जी सभी जो प्रत्याशी हैं जी, वो उन्होंने ताकत झोंकी हुई है और हाँ सारे हथकंडे अपनाते हैं चुनाव में, क्योंकि तो सरपंच का चुनाव टफ चुनाव होता है। हाँ जी, तो मास्टर जी ने क्या रणनीति बनाई हुई है चुनाव जीतने के लिए? मेरी रणनीति बिल्कुल अलग है जी, मैंने 104 काम अपने दे रखे हैं इनको, 13 मैंने कंप्लीट कर लिए, और मैं उनमें से 104 में से ये पूछता हूँ कि अगर कोई भी भैया बस्ती में से 10 काम ये कह दे कि हमारे दिमाग में थे। अभी जैसे मैंने कल मोहल्ले में गया, वो कहने लगे हमारा हैंडपम्प ठीक नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, अभी जब भी मैंने फ़ोन किया और वो आज सुबह ठीक हो गया, हैंडपम्प चालू है। वो कहने लगे जी मोटर डलवा दो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जो इलेक्शन सोच रहे हो अभी इलेक्शन है अभी काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मोटर ठीक करवाने का काम है या कुछ भी हैंडपम्प का काम है, ये एक सरकार की मदद से कराते हैं, खुद ही करवाते हैं अपने खर्चे? खुद करवाता हूँ जी अपने खर्चे से, अपने खर्चे से सारे काम कराए मैंने, जाल ठीक कराए हैं, एम्बुलेंस दी है, कुछ समय के लिए गाड़ी दी थी। हाँ जी, मतलब नेक काम है सारे मेरे, मुझे कोई बहुत खुशी होती है ऐसे काम करा कर मुझे। हाँ मेरा संतुष्ट हूँ मैं बिल्कुल। यदि मास्टर जी सरपंच चुनाव में जीते तो फिर क्या क्षेत्र से दूर चले जाएंगे? नहीं यहीं रहूँगा जी, वो तो मैंने अपना लिखते रखा है पूरा समय सारणी, मैं वहाँ मैंने दे रखा है कि मैं 8 बजे तक शिव मंदिर पर रहूँगा, 8 से 10 सकुल में रहूँगा, 10 के 12 बाद खेरा देवत पर रहूँगा, 12 से 2 जो राधा कृष्ण मंदिर पर रहूँगा, और उसके बाद मेरा ऑफिस ही शिव वो होगा जी शिव मंदिर। सर क्योंकि तो अक्सर जो चुनाव में ही लोग दिखाई देते हैं, चुनाव लड़ने के बाद गाँव की जनता को भूल जाते हैं, तो मास्टर जी से क्या उम्मीद करेंगे? सर मैं ये कहता हूँ कि इस टाइप का मेरा एक भी काम वो ला दें, अब नहीं मेरे जीवन में, मैं तो अपने जीवन में कहता हूँ कहीं भी मेरे परिवार वाले कोई भी कहीं से मिला दे कि हाँ मैंने ऐसा कह करके पीछे हटाऊँ, जो जिसकी नेचर ऐसी होगी वही तो करेगा, मेरी तो नेचर नहीं है ऐसी, और है तो बताएं। हाँ मैं सुनने को तैयार हूँ। मास्टर जी 25 तारीख को वोटिंग है जी, और अभी 9 दिन बाकी हैं जी, तो जनता से क्या अपील करोगे? अपील मैं तो ये कह रहा हूँ भाई मुझे 2-2 वोट ही दे दो, ज़्यादा नहीं, इतना तो हक मेरा बनता है, 2-2 वोट का हक तो मेरा बनता है, क्यों मैं इसी परिवार का हूँ, गांव एक परिवार ही है, रूप बड़ा हो गया है, हैं जी, और अगर किसी के बच्चे हैं 3 या 4 या 2 भी बच्चे हैं उनमें से एक निकम्मा हो हिस्सेदार तो वो भी है, तो हिस्सा तो मेरा भी है, मैं तो यही कह रहा हूँ सब जगह। हाँ और सब बहुत अच्छे तरह से मतलब एकदम प्यार से कह रहे हैं हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल आपका हक बिल्कुल देंगे, नहीं तो हमारी तो लाइट बंद हो जाएगी, 2 साल से चोरी नहीं हुई और दुनिया को खा गए पहले वाले सब, किसी ने आज तक कोई काम नहीं कराया, सारी बातें मैं सुन रहा हूँ, और पोल बहुत है लोगों के साथ, वो समझे बैठे हैं अपने आप को हम कंपटीशन में चल रहे हैं ना।
आप कंपटीशन में आ गए। मैं नंबर वन पे हूँ, मेरे से कंपटीशन है सबका, मैं तो हूँ आगे। चलिए हाँ जी, तो ये थे असिस्टेंट लेक्चरर रिटायर्ड मास्टर ओम प्रकाश जी, जिनका दावा है मैं नंबर वन पर चल रहा हूँ, और यदि जनता मुझे चुनाव में मौका देती है तो मैं गांव का समुचित विकास कराऊंगा। तो देखते हैं कि 25 तारीख को जनता इन्हें कितना प्यार देती है। तो तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए BSNS पर। धन्यवाद।